अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शमा। वेलकम टू होम किचन। कैसे आप सब? आई एम श्योर के मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो फ्रूट्स बेनिफिट सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, क्योंकि ईद की आमद आमद है और ईद की मुनासिबत से मैंने आपके साथ काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करनी है, जो मैंने काफ़ी प्लान की हुई हैं आपके साथ। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपको बना के दिखाऊँगी, तो हमेशा हमारे साथ रहिए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे साथ इन्जॉय कीजिए, शेयर करूँगी जो मैं आपसे। फ्रेंड्स, आज का जो फ्रूट मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है स्ट्रॉबेरी, जो बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार फल है। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, ख़ासतौर पर हम इसका शेक बहुत ही शौक से पीते हैं। तो आइए इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। सुर्ख रंग का ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए भी इतना ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। अगर आप स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते तो ज़रूर करें, क्योंकि ये लजीज और अर्क से भरपूर है, बल्कि ये किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं, विटामिन सी से भरपूर है। रिसर्च के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का ग़िज़ा में इस्तेमाल आँखों की सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्ट्रॉबेरी मोतिया को बढ़ने से रोकती है। स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की भी काफ़ी खूबियाँ मौजूद हैं, तो हमारे हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो ज़रूर स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल रखें। रिसर्च के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हार्ट डिज़ीज़ और शुगर से तहफ़ देता है, और इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो जो हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। इसमें पोटेशियम भी एक सेहत बख्श जुज़ है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैंसर जैसे मूजी मर्ज को कंट्रोल करता है, और दिल के अमराज और हार्ट अटैक का ख़तरा भी इसके इस्तेमाल से कम होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और दूसरे इन्फेक्शन से ये बदन को मज़बूत रखता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी बेहतर बनाता है। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरीज़ ले लें और इसको अच्छी तरह से धो लें, इनके टॉप निकाल दें और फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आप इसको शेक बना के पी सकती हैं, क्योंकि गर्मियों में हमें इस तरह के ड्रिंक्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप इसका शेक बना के पी सकती हैं। बच्चे बहुत शौक से इसका शेक पीते हैं, और इसका शेक बनाएँ, ख़ुद भी पिएँ और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी पिलाएँ। ये बहुत ही मज़ेदार शेक बनेगा आपका और बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा। गर्मियों में इस तरह के ड्रिंक्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है, तो इस तरह के ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी मुफीद हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि सीज़न का फल है, जो सीज़न के फल होते हैं, वैसे तो ये खैर ऑफ सीज़न हो चुका है, तकरीबन 2 महीने पहले स्ट्रॉबेरी काफ़ी आई हुई थी, अब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और ऑफ सीज़न में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मज़े ले सकते हैं। तो भाई, इस तरह के फ्रूट्स आप ज़रूर खाएं। मैं फिर से आपसे कहूंगी कि फ्रूट ज़रूर खाएं, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत मुफीद हैं, और अल्लाह ताला ने इन तमाम नेमतों में हम जो अपनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं उसमें हमारे लिए बहुत फ़ायदे रखे हैं, तो हमें ये ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियोज़ जो मैंने आपको फ्रूट्स के बेनिफिट्स के बारे में बताई है? तो मुझे ज़रूर आप इसका फीडबैक दीजिएगा, और इसके बारे में आपने खाने शुरू किए मुझे बताएं कि फ्रूट्स आपने खाने शुरू किए या नहीं किए। और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।